मैंने कौन सा डिफ्यूज़र लिया है, मैंने कौन सा लाइट स्टैंड लिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम डिफ्यूज़र्स के ऊपर थोड़ा सा थियोरेटिकल बातें करेंगे। फोटोग्राफी हो, सिनेमाटोग्राफी हो, यूट्यूब की वीडियोज़ हो, सॉफ्ट लाइट जो है वो बहुत फ्लैटरिंग होता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखा देता है लोगों को। बेसिकली हम लोग हार्श लाइट को अवॉइड करते हैं, फोटोग्राफी में हो या सिनेमाटोग्राफी में हो। दो तरीका है, हम लोग एक हार्श लाइट को सॉफ्ट लाइट बना सकते हैं। एक है बाउंसिंग, मतलब अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट है वो सीधा आपके चेहरे पे आता है तो वो हार्श लाइट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाउंस करते हैं। शादियों में भी आपने देखा होगा, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट जो है उसको बाउंस किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमेशा एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बिग सोर्स ऑफ लाइट, इस छोटे से लाइट सोर्स से जो भी लाइट मिलता है वो स्प्रेड कर देता है और स्प्रेड होने पे वो सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा होता है डिफ्यूज, मतलब हो सकता है कि हम हर सिचुएशन में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, बाउंस नहीं कर पाए, ऐसे टाइम पे हम लोग डिफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे भी हम एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट को एक बिग सोर्स ऑफ लाइट ही बनाते हैं। एलईडी लाइट एक स्मॉल सोर्स होता है, बहुत पावरफुल लाइट होता है, हार्श लाइट होता है, आंखों पे मारता है वो। हम लोग उसके बीच में जब डिफ्यूजर डालते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे पूरा हार्श है और यहाँ पे पूरा डार्क है, सॉफ्ट लाइट होता है, ग्रेजुअली फेड होता है। तो हमें पता चल गया, एक हार्श लाइट को सॉफ्ट और फ्लैटरिंग लाइट बनाने के लिए एक हम डिफ्यूज कर सकते हैं, दूसरा हम लोग उसको बाउंस कर सकते हैं। ये फोटोग्राफी में भी होता है और वीडियोस में भी होता है। आज हम लोग बाउंस के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन डिफ्यूजर के बारे में बात करेंगे। एक डिफ्यूजिंग का जो क्वालिटी होता है वो चार रीजन से बनता है, एटलीस्ट जहां तक मुझे पता है। एक होता है वो जो डिफ्यूजिंग मटेरियल होता है ना, उसका थिकनेस और मटेरियल का क्वालिटी। हो सकता है कि जो डिफ्यूजिंग मटेरियल है वो इतना अच्छा मटेरियल है कि वो अच्छे से डिफ्यूज कर पाता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे मटेरियल हो जिसकी थिकनेस की वजह से लाइट बहुत कम पास हो जाता है। हो सकता है कि मटेरियल थिन हो कि बहुत सारा लाइट पास हो जाता है। तो अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल और अलग अलग थिकनेस के साथ आता है। दूसरा होता है लेयर्स। अगर हम सॉफ्ट बॉक्स की बात करें तो मोस्ट लाइकली आपको एक लेयर का सॉफ्ट बॉक्स मिल जाता है, लेकिन अगर लेयर्स इंक्रीज हुआ तो एक लाइट ज्यादा डिफ्यूज होता है। तो दो लेयर का भी डिफ्यूजर सॉफ्ट बॉक्स होते हैं, ज्यादा लेयर्स का भी हो सकता है, मुझे दो लेयर्स का पता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द डिफ्यूजर, सोचो आपका एक सोर्स है, उसके अगर बहुत पास अगर डिफ्यूजर है तो अच्छे से डिफ्यूज हो नहीं पाता, डिफ्यूजर एक बड़ा सोर्स ऑफ लाइट बन नहीं पाता है। लेकिन डिफ्यूजर अगर लाइट से थोड़ा सा दूर है तो वो एफिशिएंटली हम लोग एक लार्ज सोर्स ऑफ लाइट बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द डिफ्यूजर। आप यहाँ पे डिफ्यूजर को देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं डिफ्यूजर के बहुत क्लोज हूँ, वाइड एंगल की वजह से वो पता नहीं चल रहा है। जितना पास ऑब्जेक्ट के डिफ्यूजर होता है ऑब्जेक्ट को उतना ज्यादा सॉफ्ट लाइट मिलता है, मतलब जितना मैं डिफ्यूजर के पास जाता हूँ मेरा जो शेडोज है वो उतना ही लाइट होता है। जितना सोर्स ऑफ लाइट मुझसे दूर जाता है यहाँ की जो शेडोज है वो और ज्यादा डार्क शेडोज बनता है। डिफ्यूजर पास होने का एक और एडवांटेज भी है, अगर वो ज्यादा पास है तो ज्यादा लाइट होगा, ज्यादा लाइट होगा हम लोग ज्यादा ISO कम रख सकते हैं और कंपेयर टू द बैकग्राउंड भी मैं ज्यादा ब्राइट रहूंगा तो ऑब्जेक्ट ज्यादा हाईलाइटेड होगा। तो हर तरीके से सॉफ्ट बॉक्स को अपने पास रखना हमारे लिए एडवांटेज है। इतना जानना आपके लिए जरूरी था। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द लाइट स्टैंड एंड द डिफ्यूजर दैट आई हैव बॉट। ये जो मैंने लाइट स्टैंड मंगाया ये हैरिसन लाइट स्टैंड है, एयर कुशन है, वेरी आइडियल एज ए स्टूडियो लाइट, इट हैज इनफ हाइट, एटलीस्ट जो मुझे चाहिए उसके लिए ये काफ़ी है। दिस पर्टिकुलर लाइट स्टैंड इज मोर देन इनफ। मैंने तो ये लोकल शॉप से लेके आया, हाउएवर यू विल फाइंड दिस इन अमेजोन। आप एक सिंगल लाइट भी ले सकते हो, सेम कंपनी से बड़ा वाला स्टैंड भी ले सकते हो, डबल लाइट स्टैंड भी ले सकते हो, मतलब दो लाइट स्टैंड एक साथ आता है, सो इट्स अप टू यू। मेरे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने डिफरेंस बताया एक ऑक्टोबॉक्स और एक पैराबोलिक बॉक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सॉफ्ट बॉक्स के अंदर जो वो स्ट्रिंग्स सेटअप करना मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता, उन्होंने एक बार उसको सेटअप करके चेक किया था और वापस उसको रीपैकेजिंग करते वक्त उन्होंने फिर से सारा स्ट्रिंग्स निकाला नहीं वहाँ से, सो प्रिटी मच एक बेस बन चुका था विच हेल्प्ड मी। आपको अगर याद है तो मैं दो डिफ्यूजर लेयर्स के बारे में बोल रहा था, ये फर्स्ट डिफ्यूजर लेयर है।
ब्यूटीफुली फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।